गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर. टुडे वी विल रिवाइज अवर PT2 सिलेबस. चैप्टर 6, 7, 8 विल कम इन PT2. सो वी विल रिवाइज अवर टुडे वी विल रिवाइज अवर 6th चैप्टर. द कैक्टस अ डेजर्ट प्लांट. द कैक्टस अ डेजर्ट प्लांट. फर्स्टली वी विल रिवाइज वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग जैसे फर्स्ट फ्लैशी. फ्लैशी मीन्स थिक एंड सॉफ्ट. फ्लैशी मीन्स क्या होता है? थिक एंड सॉफ्ट. जो लीव्स होती हैं कैक्टस प्लांट की, जो बिल्कुल न्यूली लीव्स हैं, जैसे थिक होती है, सॉफ्ट होती है. नेक्स्ट सेकेंड स्टेम. द मेन लॉन्ग पार्ट ऑफ ए प्लांट. जो मेन वुड होती है प्लांट की, उसको बोलते हैं स्टेम. द मेन लॉन्ग पार्ट ऑफ प्लांट. प्रिकली स्पाइन. प्रिकली स्पाइन मीन्स नीडल लाइक थॉर्न ऑन प्लांट्स. कुछ जैसे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जैसे थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं उनको, वो कैसे होते हैं? प्रिकली स्पाइन, जैसे कि नीडल लाइक थॉर्न ऑन प्लांट्स. कैक्टी. कैक्टी होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस. कैक्टस जो है सिंगुलर है और कैक्टी क्या है, इसका प्लूरल है. वैक्सी. वैक्सी जैसे कि फीलिंग लाइक वैक्स. वैक्स जैसे कि ऑयली टाइप का जो है उसकी स्किन होती है कैक्टस की, जिसके ऊपर पानी जैसे बारिश आती है तो पानी जो है नीचे आ जाता है, उसके ऊपर ठहरता नहीं है. तो वो जो है वैक्सी टाइप की जो है उसकी जो लीव्स होती हैं वो होती हैं वैक्सी. सिक्स्थ है ब्लूम. ब्लूम मीन्स प्रोड्यूस फ्लावर्स. कैक्टस के ऊपर भी जो है फ्लावर्स आते हैं, तो वो जो जैसे कि आफ्टर 5 ईयर जो कैक्टस है वो प्रोड्यूसेस फ्लावर, यानी आफ्टर 5 ईयर जो है कैक्टस का जो ट्री है उसके ऊपर फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. ब्यूरो. ब्यूरो मीन्स होता है अ होल मेड बाय एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो होल बनाते हैं, जैसे कि रैट है, रैबिट है, जैसे डॉग है, तो ये जो होल बनाते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरो. हैजिज. हैजिज होता है बुशेज दैट सर्व एज ए बैरियर, यानी काफी सारी बुशेज जो है इकट्ठी खड़ी, मतलब उसमें लाइन में लगा देते हैं, तो वो एज ए बैरियर, जैसे कि बाहर से कोई एनिमल एंटर ना करे, तो वो एज ए हैज, जिसको बैरियर मतलब कि आने जाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, तो वो हैज जो हैज का काम करती है ब्यूसिस, तो उसको बोलते हैं हैजिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 6. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कैक्टस. कैक्टस क्या होता है? कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट. इट इज विदाउट लीव्स. इट इज विदाउट लीव्स. इसके ऊपर कोई लीव्स नहीं होती. एंड द स्टेम्स आर कवर्ड विद प्रिकली स्पाइन. प्रिकली स्पाइन मीन्स क्या था? जो नीडल लाइक थोर्न होते हैं, कांटे होते हैं, तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो जो है पूरी जो है कवर्ड होती है कांटों से, जो है उसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं. तो ये जो है क्या होता है, कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट. इट इज विदाउट लीव्स एंड द स्टेम्स आर कवर्ड विद प्रिकली स्पाइन्स. सेकेंड है व्हाट डज अ कैक्टस हैव ऑन इट्स स्टेम. कैक्टस के ऊपर जो है क्या, मतलब कि इसकी स्टेम कैसी होती है. देयर स्टेम्स हैव थिक हार्ड वॉल्स. जो इसकी स्टेम्स होती है उसकी बाहरी जो जो मतलब जो लेयर होती है वो थिक हार्ड होती है, पतली होती है बट क्या होती है, हार्ड वॉल होती है. थर्ड है व्हाट मेक्स अ कैक्टस वाटर प्रूफ. जो कैक्टस है वो वाटरप्रूफ कैसे होता है, क्या होता है उसके ऊपर जो उसको वाटरप्रूफ बनाता है. कैक्टस स्पोंगी एंड वैक्सी स्टेम मेक्स इट वाटरप्रूफ. जो कैक्टस की जो स्पोंगी और वैक्सी स्टेम होती है, मतलब पतली जो थिन लेयर होती है, हार्ड थिक लेयर होती है उस वो, और जो है जो वैक्स मतलब की जो ऑयली टाइप की जो स्टेम होती है, तो वो उसको जो है वाटरप्रूफ बनाती है. उसकी वजह से रेन ड्रॉप्स उसके ऊपर मतलब ठहरती नहीं है, वो नीचे गिर जाती है. और इससे ऐसे लगता है कि कैक्टस का जो प्लांट है जब रेन होती है तो वो सूखा ही दिखाई देता है हमें, गीला नहीं लगता, कि ये जो है अभी जैसे वेट नहीं होता,
तो कैक्टस का जो कैक्टस पोंगी एंड वैक्सी स्टैम मेक्स इट वाटरप्रूफ। नेक्स्ट है व्हाट सेव्स अ कैक्टस फ्रॉम डेजर्ट एनिमल्स। कैक्टस को जो है डेजर्ट एनिमल से, जैसे कि डेजर्ट में प्लांट्स तो होते नहीं है, तो वो जो कैक्टस कैसे बचे रह जाते हैं, उसको जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो उसको खाते क्यों नहीं है। तो जो प्रिकली स्पाइंस, द आंसर इज द प्रिकली स्पाइंस ऑन कैक्टस, जो नीडल लाइक थोर्न होते हैं, प्रिकली स्पाइन मीन्स क्या था, नीडल लाइक जो थोर्न होते हैं ऑन कैक्टस सेव देम फ्रॉम डेजर्ट एनिमल्स। जो उसके ऊपर जो उसकी स्टेम्स है वो पूरी कवर्ड होती है, कांटों से भरी होती है, इसीलिए जो है डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो जो कैक्टस है उसको खा नहीं सकते, मतलब कि अगर वो खाएंगे तो उसको जो जो थोर्न है वो उसके मुंह पे लगेंगे एनिमल्स के, तो उसको खा ही नहीं सकते। इसीलिए ये जो नीडल लाइक थोर्न है, प्रिकली स्पाइन जो कैक्टस के ऊपर होते हैं, वो उसको जो है डेजर्ट एनिमल से बचा लेते हैं। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ कैक्टस। टू टाइप के कैक्टस जो है कौन कौन से हैं, जैसे टू टाइप्स ऑफ कैक्टस आर कोला कैक्टस और बैरल कैक्टस, कोला कैक्टस एंड बैरल कैक्टस। डज ए कैक्टस गिव फ्लावर्स, क्या जो कैक्टस है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। यस ए कैक्टस गिव्स फ्लावर, अ कैक्टस गिव्स फ्लावर, कैक्टस के ऊपर भी जो फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ये जो है फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं कैक्टस आफ्टर 5 ईयर। नेक्स्ट है नेम सम यूजेस ऑफ कैक्टस, कैक्टस का यूज क्या है। तो फर्स्ट है जैसे कैक्टस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, कैक्टस का यूज जो है मेडिसिन बनाने के में भी किया जाता है। और सेकंड है कैक्टस हेजेस आर यूज्ड एज बैरियर, और कैक्टस जैसे कि खेत होते हैं, फील्ड होते हैं उसके, या फिर जैसे कोई भी पार्क है उसके जो है बाउंड्री लाइन बनाने के लिए हेजेस का काम करती है ये, तो वहां उसके जो है चारों तरफ हम मेड़ बनाकर उसपे भी लगा सकते हैं, इसको एज ए बैरियर का काम करेगी ये, और इससे मेडिसिन बनाई जाती है। और ये घर में जैसे कि कुछ जो हमारे फ्लावर पॉट होते हैं उसमें लगाकर भी इनको हम घर में जैसे अच्छे लगते हैं, कैक्टस के जो कुछ टाइप्स के जो कैक्टस हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनपे फ्लावर्स भी आते हैं, तो वो एज ए हाउस को जैसे डेकोरेट करने में भी इनका यूज किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। रिवाइज योर 6th चैप्टर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।